नमस्कार दोस्तों, हेलो डॉक्टर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर आनंद असाटी जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, लोगों को काफ़ी फीवर है, सर्दी जुकाम है, तो लोग इससे कैसे बचाव करें। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं अपने डॉक्टर शो में और इनका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर आनंद साठी, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल छतरपुर। आज हमारे इस डॉक्टर शो में ये बात होनी है कि जिस तरह से मौसम का बदलाव है और लोग काफ़ी इस मौसम में काफ़ी लोगों को फीवर है, सर्दी जुकाम है, तो इससे लोग कैसे बचाव करें। सबसे पहले तो गर्मी का सीज़न चालू हो गया, तो घर पे ही रहना है, धूप में ज़्यादा नहीं निकलना है, पानी खूब पीना है और अपने मौसमी फलों को खाना है। संतरा हुआ, जैसे तरबूज हुआ, चिमरी हुई, इन सब का उपयोग करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अपने को ज़्यादा फीवर आता है तो इमरजेंसी कंडीशन होती है तो आप हॉस्पिटल में आकर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर सर्दी खांसी ज़्यादा हो रही है तो अपना घर पे अदरक हुआ, अदरक से चाय, काली मिर्च हुई, उसकी चाय बना के घरेलू नुस्खे उपयोग कर सकते हैं। और इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, जैसे बढ़ाने के लिए, अपनी गिलोय का काढ़ा बना के भी पी सकते हैं, जिससे कि फ़ीवर कंट्रोल हो सकता है। अगर अपने का एक दो दिन में फ़ीवर कंट्रोल नहीं होता है तो आपको अस्पताल में आके संपर्क करना है। इससे बचाव के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बचाव के लिए तो मैन ये है कि धूप में अपन ज़्यादा से ज़्यादा ना निकलें, वो मेन बचाव है। ठंडा पानी पिए, है ना, और तौलिया वगैरह बांध के निकलें। जब भी घर से निकलें तो पानी पी के निकलें। अगर हमें ये वायरल बुखार चढ़ जाता है और नहीं उतर रहा है तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? उसके लिए सबसे पहले आप डॉक्टर के संपर्क में आके डॉक्टर से ट्रीटमेंट ही कराएं, वो ज़्यादा बेटर है, है ना। घरेलू नुस्खे आजकल के बाहरम पीवन में इतने ज़्यादा काम नहीं आते हैं, तो आप जाके हॉस्पिटल में संपर्क करके ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं, वो ज़्यादा सही है। कैसे जागरूक करेंगे आप हमारे दर्शकों को, जिस तरह से अभी मौसम काफ़ी बदलाव है और लोग नहीं मान रहे हैं? जागरूक करने के लिए तो यही है कि अपने अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो घर पर ही रहें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना मतलब खूब पानी पिएँ, खूब फल फूल खाएँ, और ज़्यादा दिक्कत हो तो हॉस्पिटल तो है ही, फिर हॉस्पिटल यहाँ आके ट्रीटमेंट कराएँ और क्या। अच्छा, घरेलू नुस्खों में ऐसा क्या क्या है जो लोग घर में ही रहकर मतलब अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? नींबू का शरबत पीजिए, ठंडा पानी पिए, फल फूल खाएँ, यही मेन है। प्रोटीन पाउडर वगैरह भी आते हैं तो वो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर वो भी ले सकते हैं। आयुर्वेद में अश्वगंधा रिस्ट वगैरह आते हैं तो अश्वगंधा का पाउडर बना के भी पी सकते हैं। वैसे कैसे चढ़ता है ये वायरल बुखार? वायरल फीवर का ऐसी कोई सिम्टम नहीं है, मतलब ऐसा कोई कॉज नहीं है कि किस वजह से होता है। वायरल फीवर में आजकल बहुत सारे होते हैं कि मलेरिया है, टाइफाइड है या वायरल है, तो इसको मतलब अपन डायग्नोसिस करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं इसके लिए, तो मेन तो अपन को डॉक्टर से संपर्क करके ही उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो देखा दर्शकों, आपने हमारे डॉक्टर सर ने किस तरह से आपको बताया कि लोगों को किस तरह से घर में रहना चाहिए, और अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो धूप में ज़्यादा ना निकलें। तो हम अपना शो यहीं पर समाप्त करते हैं और डॉक्टर शो देखते रहिए, हम आपको और आगे का अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको ये शो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।